हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा जो वाटर लीकेज होता है। फ्रेंड्स, वाटर लीकेज कहां कहां होता है। फ्रेंड्स, जहां पे हमारा जैसे वाटर टैंक है, कहीं फूट गया, फट गया, या तो कुछ भी क्रैक हो गया तो लीकेज होता है। पाइपलाइन CPVC जो इनलेट जहाँ पानी सप्लाई होता है, अगर वो CPVC पाइप होने दो, चाहे GI पाइप होने दो, कहीं से अगर लीकेज हो रहा है, कहीं पाइप डैमेज हो गया या रस्ट हो गया या पाइप फूट गया, CPVC पाइप क्या होता है ना, कहीं कहीं डैमेज हो जाता है, लीकेज होता है। फ्रेंड्स, और एक जो आपका कहीं पे सीट का घर है, चाहे एस्बेस्ट होने दो, चाहे आयरन का सीट होने दो, और कहीं स्टेयरकेस एरिया में भी आप लोग सीट डालते हो, फ्रेंड्स, उसको अगर कहीं पे रस्ट हो गया, कहीं होल हो गया तो लीकेज होता जाता है। फ्रेंड्स, इसको सभी कैसे रिपेयर करेंगे। ये सबको रिपेयर करने के लिए एक वाटरप्रूफ का टेप आता है। फ्रेंड्स, वो वाटरप्रूफ टेप मल्टी टेप भी होता है। फ्रेंड्स, उसमें क्या है, वो टेप को खाली चिपकाना है। अगर कहीं डैमेज हो गया, फट गया, फूट गया, जो भी है, जहाँ भी, चाहे आयरन पाइप होने दो, चाहे पाइपलाइन होने दो, चाहे PVC पाइप होने दो, चाहे वाटर टैंक होने दो, फ्रेंड्स, जहाँ भी इस तरह का वाटर लीकेज होता है तो उसको सिर्फ आपको जितना साइज का चाहिए उतना कट करना है, और उसका एक लेयर रहता है, एक कवर रहता है, वो कवर को निकाल के फिर आपको चिपका देना है। फ्रेंड्स, वो मस्त काम करता है और तुरंत लीकेज बंद हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये चाहे तो अगर कंटिन्यू पानी बंद करने का ऑप्शन नहीं है, मानी लीकेज तो होते जा रहा है, वो टेप को चिपका दिया तो लीकेज बंद हो जाएगा। चलिए, पहले मैं हार्डवेयर शॉप में जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। आप बोलते हैं ना, बहुत सारी कमेंट आता है कहाँ मिलता है। फ्रेंड्स, ये हार्डवेयर शॉप में मिलता है। चलिए, मैं आपको वहीं से खरीद के लेके आता हूँ और कैसे कैसे रिपेयर करते हैं मैं आपको इसी वीडियो में आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए, पहले हार्डवेयर शॉप में चलते हैं। अभी मैं ऑलरेडी हार्डवेयर शॉप में आ चुका हूँ। फ्रेंड्स, ये जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये है वो टेप है, ये सिक्का मल्टी सील टेप टी लिखा है इसमें, ऑलरेडी देख लीजिए। ये टेप इसी तरह का आता है फ्रेंड्स, ये रोल की तरफ से आता है, और मेरे को सिर्फ चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स, ये टैंक का जो लीकेज हुआ है वो सिर्फ एक छोटा सा होल हुआ है, जिसके वजह से मेरे को एक टेप में उसको पैक करना है। तो इसके लिए मैंने सिर्फ 1 फीट इसको लेता हूँ, और उसको कैसे पैक किया जाता है और किस तरह से ये लीकेज बंद होता है, चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये है वाटर टैंक, PVC का टैंक है। फ्रेंड्स, इसमें 2-3 जगह पे डैमेज है, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, क्यों मैंने ऑलरेडी पानी खाली कर दिया हूँ, टैंक में खाली है पानी। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फटा हुआ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा फटा हुआ है, जिसके वजह से यहाँ से पानी लीकेज हो रहा है। फ्रेंड्स, और 2 जगह में ऊपर जाके मैं आपको दिखाता हूँ, टैंक का ऊपर की तरफ भी फटा हुआ है। कि ये ऊपर में, ये टॉप में, ये साइड में जो, और एक यहाँ पे फटा हुआ है। जब भी ओवरफ्लो होने से पहले, टैंक फुल होने से पहले यहाँ से लीकेज होना शुरू हो जाता है। ये साइड में देखिए फ्रेंड्स, ये फटा हुआ है, तो इसको कुछ भी लगाए तो फिर भी लीकेज हो रहा है। आज उसी में ये टेप में हम इसको भी बंद करेंगे। फ्रेंड्स, और एक बात मैंने आपको शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सभी जो ऊपर का डैमेज क्यों होता है, फ्रेंड्स, ऊपर का टैंक का जो ऊपर का भाग है वो क्यों डैमेज होता है। फ्रेंड्स, कभी भी ये जो टैंक का कवर अगर कहीं छूट गया या टूट गया, कुछ भी प्रॉब्लम हवा में कहीं उड़ गया, तो अगर कुछ भी टैंक का कवर डैमेज हो गया समझो, और एक टैंक का कवर आप हार्डवेयर शॉप में जाके आप ले सकते हो। इसी तरह टाइल्स रख के उसका ऊपर ब्लॉक रखे तो फ्रेंड्स क्या होता है, ये पानी तो नीचे तक भरा रहता है, ऊपर का जो ऊपर का हिस्सा में तो पानी टच नहीं होता। फ्रेंड्स, ये हमेशा खाली रहता है। जब सनलाइट का, जब ज़्यादा धूप होता है, गर्मी होता है, ज़्यादा धूप की वजह से ये जो ऊपर का एरिया सॉफ्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, ये जो वेट है, आपने जो ब्लॉक हाफ ब्लॉक रखा है, ये टाइल्स रखा है, इसका जो वेट है वो धीरे धीरे दबते जाता है, नीचे बेंड होते जाएगा, जिसकी वजह से आपको ये कर्नर फटना शुरू हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ भी फटना शुरू हो गया, तो इस तरह का ऊपर का जो एयर धीरे धीरे बैठ जाएगा और ये चारों तरफ से टूट जाएगा, जिसकी वजह से टैंक आपका डैमेज हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसका कवर लिया तो कम से कम 150 से 200 रुपया तक आएगा। आप लाके कवर डाल के उसको लग कर सकते हैं, इसी तरह रखे तो आपका टैंक डैमेज होना ही है। चलिए, और एक देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये कितना बड़ा होल भी हो गया, ये भी फट गया, इसको भी हम उसी में टेप में ही पैक करेंगे। चलिए, पहले मैं नीचे से, पहले उसका जो लीकेज है उससे हम पहले से हमको पैक करेंगे, फिर उसके बाद ऊपर का करेंगे। देखिए, पहले इसको क्या करना है, ये जो क्रैक है, हमको थोड़ा सा एक इमरी पेपर लेना है,
इमिल पेपर में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप थोड़ा सा जो इसका ऊपर का लेयर जो है सॉफ्ट होते जाता है, जिसका वजह से इसका ऊपर हम चिपकाएंगे तो हो सकता है थोड़े दिन के बाद ये ऊपर का लेयर निकल जाएगा। इसलिए क्या करना है, पहले से आपको थोड़ा सा इमिल पेपर में ऐसे साफ कर देना है, ऊपर का लेयर जो है ये सभी निकल जाएगा। ज़्यादा नहीं, खाली ऊपर का लेयर का जो पाउडर पाउडर जैसे निकलता है उसको थोड़ा कर दिया तो अच्छा से पकड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये अभी साफ़ हो गया है। अब हम इसका टेप को यूज़ करेंगे। पहले आपको टेप जितना चाहिए उसी हिसाब से आपको कट कर देना है। अब फ्रेंड्स क्या करना है, इसका जो ये और एक जो कोटिंग है उसको निकालना है। इसका ऊपर एक लेयर है, देखिए आपको इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये निकाल के जो जगह पे आपको चिपकाना है बिल्कुल ऐसे ही रख के एक तरफ से ऐसे ही चिपकाते आना है। देखिए इस तरह से लगाते आए तो ये अच्छा से पैक हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये अभी लग गया, अभी हम पानी चालू करके भरेंगे तो यहाँ से लीकेज होने का चांस नहीं है। फ्रेंड्स, इसका ऊपर के भाग जो है हमको और एक पैसे ऊपर की तरफ में डालना है। मैं आपको जो ऊपर का दिखाया था सेम ऐसे ही हमको उसका पैक, ये कैसे पैक हो गया है ये थोड़ी देर के बाद में बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। और देखिए ऊपर का जो मैंने दिखाया था ये भी देखिए कैसे इसका जो है जो डैमेज हुआ था उसको भी मैंने लगा दिया हूँ, और इसका साइड में भी है। देखिए फ्रेंड्स, ये साइड में भी पैकिंग हो गया। अब मैं पानी चालू कर देता हूँ, फिर आपको दिखाएंगे लीकेज होता है नहीं होता है। और एक फ्रेंड्स, मैंने पाइप को, अगर पाइप कहीं डैमेज हो गया, चाहे ये CPVC पाइप होने दो चाहे PVC पाइप होने दो, अगर PVC पाइप इसी तरह का जो आउटलेट का PVC पाइप होता है ये पाइप होने दो, चाहे GI पाइप होने दो चाहे CPVC पाइप होने दो, जो भी पाइप अगर ऐसे लीकेज हुआ तो उसको क्या करना है, जितना जगह पे आपको चाहिए इस तरह का टुकड़ा कट कर लेना पहले। फिर फ्रेंड्स, अगर इस तरह का पाइप जो, अगर मान लीजिए ये पाइप यहाँ पे डैमेज है, यहाँ पे डैमेज कहीं भी अगर कहीं छोटा होल हो गया या फट गया, चाहे CPVC होने दो PVC होने दो, आपको इस तरह का जगह पे कट करके आपको पाइप को ये फ्रेंड्स रनिंग में भी आप कर सकते हैं। देखिए इसी तरह का चिपका देना है। ये फ्रेंड्स अगर कहीं रनिंग पानी है, पानी चालू है, लीकेज हो रहा है तो भी इस तरह का आप चिपका सकते हैं। अभी देखिए मैंने ऑलरेडी पानी भरना शुरू हो गया, अभी मैंने थोड़ा सा यूनियन को लूज करके देखता हूँ, पानी यहाँ तक अभी भरना शुरू हो गया है। फ्रेंड्स देखिए अभी ये लीकेज पूरा बंद हो चुका है, अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम वही मोटर चल रहा था, हमको यहाँ तक अभी पानी आ चुका है, लीकेज नहीं है। फ्रेंड्स ये इसको निकालने के लिए कोशिश करेंगे ना तो भी ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको निकलने के लिए। देखिए वो कैसा आ रहा है, इसलिए एक बार ये चिपक जाता है तो ये मेटल की तरह लग जाए। फ्रेंड्स ये तो आपको मालूम हो गया कैसे इसको यूज करना है वो टेप को। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक तो फ्रेंड्स जरूर करना। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।